हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग मशरूम कल्टीवेशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स जानेंगे मशरूम के। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या क्या उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और साथ ही साथ उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन में एक हम सब टॉपिक पढ़ते हैं एडिबल एंड नॉन एडिबल मशरूम, जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब बाकी का इसमें हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मशरूम की। तो मशरूम आप जानते हैं, ये एक फ्लैशी फ्रूटी बॉडी है, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट पे माइसीलियम की ग्रोथ से बनता है। ठीक, मशरूम जो है वो सब डिवीजन आपका बेसिडियो माइकोटीनस को बिलोंग करता है, लेकिन कुछ स्पीशीज जो है फंगाई की वो आपका एस्को माइकोटीना को भी बिलोंग करता है। मशरूम की लगभग 50,000 स्पीशीज जो है, ठीक है, अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं, जिसमें से 10,000 जो है उसे एडिबल कंसिडर किया जाता है। ठीक, इसमें से भी जो आपके 6 मशरूम्स हैं वो सबसे ज्यादा आपको प्रिफर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा लार्ज स्केल में यही 6 आपके कल्टीवेट होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले आपका आता है पेडिस्ट्रॉ मशरूम, ठीक है, जिसे वॉल्वेरिया स्पीशीज साइंटिफिक नेम में बोलते हैं। स्पीशीज, अब इसकी अलग अलग स्पीशीज होती है। ठीक है, आपका ऑयस्टर मशरूम प्लूरोटस स्पीशीज, आपका बटन मशरूम अगैरिकस, आपका मिल्की मशरूम, शिटाके मशरूम जिसे लेंटिन्यूला बोलते हैं, और आपका ज्यूस ईयर मशरूम, ठीक है, और यूलेरिया, ये जो है ईयर की शेप का होता है, तो इसे ज्यू का ईयर का शेप का मशरूम माना जाता है। ठीक है, नाम दिया जाता है। आगे बात करें, आपका ये मशरूम्स हो गया, इसके अलावा भी आपने कॉर्डिसेप वगैरह पढ़ा है, और आपका कॉर्डिसेप हो गया एक, फिर ब्रेन मशरूम भी होता है, लॉयंस मशरूम हो गया, इन सब के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन सबसे जो वाइडली कल्टीवेट किए जाते हैं ना, वो ये 4 है, सॉरी ये 6 है। ये देखिए, अब मशरूम में मैंने बताया था आपको, जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बेसिक पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सबसे ऊपर दिखता है वो स्केल होता है, ठीक है, इसको पाइल्स बोलते हैं, जो ऊपर है स्केल होता है। स्केल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो आप देखेंगे। ठीक, स्केल के नीचे जो है आपका ये कैप है, ये जो चीज़ है ये आपका कैप है, ठीक है, और इसके ऊपर जो बने होते हैं वो होते हैं आपके स्केल्स। अब स्केल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक, थोड़े थोड़े उसमें आपका भी, जब आप इन 6 मशरूम में से कुछ मशरूम के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किसी के स्केल्स जो है वो क्लोज है, किसी के ऑल्टरनेट पैटर्न में है, किसी के नॉन ऑल्टरनेट पैटर्न में है, लीनियर है, पैरलर है, इस टाइप से थोड़े थोड़े पैटर्न होते हैं। ठीक है, इसके जो नीचे का पोर्शन है इसे हम कहते हैं गिल्स। ठीक, यहाँ पे जो है आपको रिंग दिखेगा, ये रिंग जो है इसे एनुलस भी बोला जाता है, रिंग भी बोला जाता है, और स्कर्ट भी बोला जाता है। ठीक, ये जो नीचे का है जहाँ से आपका माइसीलियम थ्रेड्स निकल रहे हैं, तो उसके ऊपर का जो ये पोर्शन है इसे वॉल्वा कहते हैं। ये आपका फ्लैश तो है ही, और इसको आप अपना स्टेम कहते हैं। ये मशरूम का पार्ट है, इसको हमने शायद पिछले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं मशरूम के कैप शेप्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मशरूम के कैप की अलग अलग शेप होती है, कॉन्वेक्स होता है, बेल शेप है, कॉनिकल है, नॉब्ड है, फ्लैट है, और संकन भी है। ठीक, ये अलग अलग टाइप के मशरूम है, इस पर हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं, उतना डेप्थ में हमें अभी पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप ये देख रहे हैं मशरूम की कैप सरफेस, जो मैंने बोला ना स्केल्स हैं जो उसके ऊपर, कैप के ऊपर, वो स्मूथ हो सकता है, वेलवेटी हो सकता है, आपका हेयरी हो सकता है, स्केली हो सकता है, और थोड़ा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, फ्लैट स्केल्स हो सकते हैं उसमें, और आपके पैचेस के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, इस टाइप से आपका कैप का सरफेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गिल्स की। तो गिल्स में स्पेसिंग अरेंजमेंट जैसे है, उसके बेसिस पे भी आपका मशरूम जो है थोड़ा क्लासिफाई करने में हेल्पफुल रहता है। उसके अंदर जो गिल्स में लाइन्स हैं वो आपकी क्राउडेड हैं, गिल्स की जो स्पेसेस है वो क्राउडेड है, क्लोज है, या फिर डिस्टेंस में, और गिल्स के टिश्यू की जो अरेंजमेंट है वो पैरलर है, इंटरविंड है, या फिर डाइवर्जेंट है, इसके बेसिस पे भी आपका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस जानना है, इतना कुछ इन डेप्थ में इसमें से आता नहीं है, बस आपके एक जनरल की बात थी, और ये इंपॉर्टेंट फिर पड़ जाता है। अब आपके हम इसमें कुछ मशरूम्स के बारे में, इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम अपना एगैरिकस बाइस्पोरस की बात करेंगे, जो कि आपका बटन मशरूम है। इसकी जो कैप है वो 3 से 16 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, कैप आप समझ रहे हैं ना क्या, एक बार फिर भी हम पीछे जाते हैं, ये जो है ये आपका कैप होता है। ठीक ना, ये जो कैप है ये पूरा कैप है, एक मिनट। तो एगैरिकस की जो कैप है वो 3 से 16 सेंटीमीटर की होती है।
ये कॉन्वेक्स से नियरली फ्लैट होती है, मतलब पहले कॉन्वेक्स होती है, जैसे जैसे ये मेच्योर होता जाता है तो वो कॉन्वेक्स जो है वो नियरली फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक। ये ड्राई स्मूथ या फिर प्रेस डाउन भी हो सकती है और स्मॉल स्मॉल स्केल्स होते हैं इसमें। कुछ वेराइटीज इसकी वाइट होती है और वहीं कुछ जो है वो ब्राउन भी होती है, मोस्टली आपको वाइट वेराइटीज ही मिलेंगी, कुछ कुछ होते हैं जो वाइट होती हैं, ठीक है। इसके गिल्स जो है वो स्टेम से फ्री होते हैं, गिल्स भी स्टेम से अटैच्ड और फ्री होते हैं, तो इसके जो गिल्स है वो स्टेम से फ्री होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं। अभी आपने तीन पढ़ा था ना, क्लोज, डिस्टेंस और इंटरट्विंड वाला, तो इसके जो है वो क्लोज होते हैं और पिंक से पिंकिश से पिंकिश ब्राउन, मोस्टली आपको पिंकिश ब्राउन कलर का दिखेगा आपको गिल्स, ठीक है, फर्स्ट इनिशियल स्टेज में, और धीरे धीरे जो है ना वो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो मेच्योर आपका आपका ये बटन मशरूम है उसके गिल्स आपको ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के दिखेंगे। इसका जो स्टेम है वो 2 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1 से 3 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है। स्टेम आपका स्मूथ होता है या फिर उसमें कुछ स्मॉल स्केल्स भी मिलेंगे रिंग्स के बिलो। रिंग मैंने आपको बताया ना क्या, ये जो एनुलस जिसको लिखा है ना, ये रिंग है, रिंग के बिलो आपको यहाँ पे स्केल्स दिख सकते हैं छोटे छोटे। और इसका फ्लैश वो जो है वाइट कलर का होता है और फ्रिम होता है, ठीक, मतलब आपको स्पॉन्जी सा नहीं लगेगा, फ्रिम रहेगा और वाइट कलर का होगा। इसके अंदर एक अपनी ओडोर और प्लीजेंट सा टेस्ट होता है, ठीक है, एक अच्छी खुशबू रहेगी। वो जो मैंने आपको बताया था पॉइजनस होते हैं उसका बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है, लेकिन इसकी स्मेल काफ़ी प्लीजेंट होती है, जो मशरूम की जेन्युइन स्मेल होती है वैसी होती है, ठीक। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसका कैप जो है अगर आप उसको के ओ एच से रिएक्ट करवाएंगे तो वो येल्लो नहीं होगा, वही जो दूसरे मशरूम होंगे वो मे बी येल्लो हो जाए या कोई और कलर दिखाए, लेकिन आपका जो बटन मशरूम है वो येल्लो कलर नहीं दिखाता है। ये केमिकल था रिएक्शन का स्टेप। अगर माइक्रोस्पोरिक लेवल में बात करें तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो आपके 5.5 से 8.5, मतलब आपका लेंथ एंड विड्थ की बात करनी जा रही है स्पोर्स का, जो आपका डायमेंशन होता है, से लेके 6 से 6.5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल होता है, आपका राउंड शेप नहीं होता है, जैसे आपका ऐसे राउंड होता है ना, ये राउंड नहीं होता है, ये ऐसे इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है, सॉरी थोड़ा ट्राइपॉड की सेटिंग खराब है, ठीक, तो ऐसे इलेक्ट्रिकल होता है, इलेप्टिकल होता है और स्मूथ होगा। इसमें 2 बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये मशरूम है आपका, जैसे मैंने आपको बोला बटन मशरूम, देखिए इसके गिल्स किस कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं। ये व्हाइटिश से ब्राउनिश कलर का आपका कैप है इसका, ठीक, स्मूथ अपीयर हो रहा है, इसके स्केल्स नहीं है, और अगर स्केल आपको दिखेंगे भी तो वो आपका जो रिंग है एनुलस उसके नीचे स्केल्स दिखेंगे। ये ऊपर वाले तो व्हाइट है, वही मैंने कुछ बोला था आपको ब्राउन वेराइटीज भी होती है। ये इसको कैसे शेड पे ग्रो किया जा रहा है और ये अबाउट टू हार्वेस्ट है क्योंकि इसके गिल्स जो है वो खुल चुके हैं। सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने प्लूरोटस की। तो जो प्लूरोटस स्पीशीज है इसको हम ऑयस्टर मशरूम कहते हैं, ऑयस्टर मशरूम भी काफी फेमस है। ऑयस्टर मशरूम की जो मोती जैसा, क्योंकि इसका शेप होता है बटन मशरूम का, अगर ऐसे ऊपर से देखें तो बटन जैसा और इसका मोती जैसा, मतलब सीप जो होता है उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। तो इसकी जो कैप है ऑयस्टर मशरूम की वो टंग शेप की होती है, ठीक है, तभी ना ऊपर से वो आपको ऐसा दिख रहा है, टंग शेप की होती है जो कि मैच्योर होते होते इनिशियल स्टेज में टंग शेप और मैच्योर होते होते वो शेल शेप का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। और ये 50 से 150 mm की होती है डायमीटर वाइज और वाइट से आपको ग्रे कलर का मिलेगा, ठीक है, व्हाइटिश टू ग्रे कलर के बीच में आपको मिलता है। इसका जो फ्लैश है वो काफी थिन होता है, उधर सॉफ्ट और फॉर्म था, इसका लेकिन थिन होता है, ठीक है, बहुत पतला रहेगा। बटन मशरूम आपका ऐसे जैसे ऐसे बटन शेप्ड में था ना, तो ये इसका फ्लैश तो आपको थिक मिलेगा, सॉफ्ट होता है, इसका ऐसे पतला सा होता है, तो ये थिन होता है, काफी वाइट होता है और इसमें जो मार्जिन होता है वो वेवी से मार्जिन आपको शो होंगे, ठीक है। गिल्स की बात करें तो एक मिनट, हाँ, गिल्स की बात करें तो गिल्स जो है वो आपके व्हाइट होते हैं, ब्रॉडली स्पेस्ड होंगे। स्टेम जो है वो ऑफ सेंटर फैशन में अटैच होगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट होगा फर्स्ट में, फर्स्ट मतलब इनिशियल स्टेज पे शॉर्ट और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब मैच्योर होगा तो एब्सेंट ही हो जाएगा। स्पोर जो है वो व्हाइटिश से लिलिया ग्रे कलर के, मतलब आपके स्पोर्स जो है वो व्हाइट से ग्रे के बीच में होते हैं, ठीक है। और माइसीलियम इसका व्हाइटिश कलर का होता है, मोस्टली व्हाइटिश ही होता है और ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, इन लीनियर फॉर्म में। आपका जो बेसिडियो टेट्रापोलर होते हैं, यानी 4 स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, टेट्रा 4 बाई मतलब 2 ट्राई 3, ठीक है ना। तो इसके जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो टेट्रापोलर होते हैं, यानी 4 होते हैं, ठीक, और हैप्लॉइड होते हैं चारों। हेट्रोथेरिक होता है ये, इसमें क्लैम्प्स जो होते हैं ना, वो अब जब मशरूम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसका, ठीक है, तो उसमें एक वर्ड आता है क्लैम्प्स,
तो वो जो क्लैंप होते हैं वो इसमें कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, खुले नहीं होते, कनेक्टेड होते हैं। कुछ स्पीशीज जो है इसकी, कुछ स्ट्रेन जो है स्पोर्स की, वो स्पोरलेस होती हैं और वो एलर्जिक होती है नेचर में, ठीक है। कुछ स्ट्रेन जो कि स्पोरलेस होते हैं वो एलर्जिक होते हैं नेचर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑयस्टर मशरूम के कुछ स्ट्रेन जो कि स्पोरलेस होते हैं वो एलर्जिक होते हैं इन नेचर। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपका देखिए मैंने बोला था ना इसका जो फ्लैश है वो काफी थिन है, ठीक। आपका जो ये कैप है वो पहले आपका उस शेप का था, किस शेप का था, टंग शेप का था, और उसके बाद वो आपका सीप शेप में हो जा रहा है, शेल शेप में। अब हम बात करते हैं वॉल्वेरिया स्पीशीज की, सॉरी फॉर दैट लाइन, जिसे हम पेडिस्ट्रॉ मशरूम कहते हैं। ये मशरूम इनिशियली व्हाइट होता है, धीरे धीरे टैन होता जाता है, यानी डार्क कलर हो जाता है, और फिर व्हाइट पेल में चेंज हो जाता है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है वो काफी छोटी होती है, इरेगुलर होती है, कप लाइक सैक होता है इसके नीचे, जिसको हम वॉल्वा कहते हैं, ठीक। इसकी फ्रूटिंग बॉडी क्या है, स्मॉल होती है, और इसमें इरेगुलर कप शेप का वॉल्वा प्रेजेंट होता है। अब वो क्या है, वो हमने यहाँ पे देखा था, एक मिनट, ये रहा डायग्राम में, इसको कहते हैं हम लोग वॉल्वा, ठीक है, दूसरे कलर से दिखाया जाएगा। तो ये है आपका वॉल्वा, ओके। तो ये इसमें प्रेजेंट होता है, कप लाइक का होता है, देखा ही आपने, एक मिनट, वॉल्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो कैप है वो 5 से 15 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, एग शेप्ड होता है, और एक्सपैंड करके एक्सपैंड होके कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है आपका, ठीक। इसमें जो गिल्स हैं वो फ्री होते हैं, अटैच नहीं होते हैं। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो पिंकिश से पिंक ब्राउन कलर के बीच में होते हैं, ठीक है, मतलब एकदम लाइट डार्क पिंकिश नहीं, बहुत लाइट पिंकिश से आपका ब्राउनिश पिंक कलर के बीच में होगा। 5 से 5/9 से 4/6 माइक्रोमीटर का होता है इन साइज। इसके जो स्टेम है वो 4 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉलिड स्मूथ होती है, और व्हाइट से येलो कलर की होती है, और स्टेम के बेस के नीचे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एक थिक वॉल्वा प्रेजेंट होता है। ये भी टेट्रापोलर होता है, इसमें भी बेसिडिया 4 स्पोर्स के होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। ये प्राइमरली होमोथेलिक होते हैं, बाद में भी हेट्रोथेलिक हो, लेकिन होमोथेलिक इनिशियल स्टेज पे होते हैं, और इसमें भी क्लैम्प्स जो है वो कनेक्टेडली प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है, जैसे अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम आ जाता है, तो आपको ये पॉइंट्स लिखना होता है। तो कैप हो गया, कुछ बेसिक पॉइंट्स, कैप जैसे पोर्स, तो स्पोर्स जो है वो ऑलमोस्ट सब आपके पहले दोनों टेट्रापोलर थे, है ना, सॉरी लास्ट के दोनों टेट्रा है, और एक जो पहला था वो बाय था। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा याद करती रहिए कि आपका कैप का शेप कैसा है, कैप में जो स्केल्स हैं वो स्मूथ हैं कि रफ हैं, ठीक है, कन्वेक्स है कि आपका फ्लैट है, गिल्स फ्री है कि अटैच्ड है, तीनों में गिल्स फ्री थे, तो ये सब चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपका देखिए डायग्राम किस शेप का ये होता है, व्हाइटिश, और इसका जो अंदर से आप देखिएगा गिल्स जो है तो वो पिंक से पिंकिश ब्राउन कलर के होते हैं। अब बात करते हैं कुछ मशरूम जो कि आपके पॉइजनस होते हैं, उसमें क्या पॉइजनिंग होती है। पॉइजनस मशरूम के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, इसमें हम बात करेंगे कि पॉइजनिंग क्या होती है उस मशरूम के अंदर, कैसे वो इफेक्ट करता है, और उसका क्या ट्रीटमेंट है। बहुत ही ईजी एंड बेसिक है, ठीक। मतलब मशरूम को अगर आप खाते हैं, पॉइजनस मशरूम को, तो उससे काफी कुछ आपको डिफरेंट कॉजेस दिख सकती हैं, ठीक है। उसमें से कुछ जो मेन है और ज्यादातर शो होती है वो है गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आपके जो पॉइजन खाने से आपके जो गट है उसमें गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स जो है, स्पेसिफिकली आपके नर्वस सिस्टम के मसल, उसमें पैरालिसिस होने लगता है। कभी वो एक्साइट होने लगेंगे, कभी वो आपका पैरालिसिस शो करेंगे, ठीक है। ये आपका जो अमानिता मस्कैरिस है, ये मशरूम की वजह से ज्यादातर देखने को मिलता है। या आपको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगी, वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है ना, हेडेक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब इसमें शो होगा, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होते हैं, एज अ एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे दो मशरूम के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नर्वस डिसऑर्डर, ठीक। इसमें क्या होता है कि आपके सेल्स जो है ना वो डिजेनरेट करने जाते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स जो होते हैं वो डिजेनरेट करने लगेंगे, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा होने लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक्स आने लगेंगे। ये आपका जो अमानिता है, इसी की एक स्पीशीज है अलग, उसकी वजह से ये ज्यादातर देखा गया है कि अगर वो मशरूम आप खा लेते हैं तो आपको नर्वस डिसऑर्डर होने लगता है, ठीक है। मस्कुलर डिसऑर्डर की बात की जाए, एक मिनट,
तो इसमें क्या होता है, मसल्स का एक्साइटमेंट होता है, जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, मतलब आपके हाथ वगैरह के मसल या यूट्रस के मसल, वेसल्स जो होते हैं उनके मसल्स, उनमें क्या होने लगेगा, डायलेशन होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यूट्रस में पेन होने लगेगा, आपके हाथ में अचानक से पेन होने लगेगा, नस पे नस चढ़ता है ना, उस टाइप से पेन होने लगेगा, ठीक। एक होता है हिमोलिटिक डिसऑर्डर, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्लड का जो है डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ब्लड सेल्स जो है ना वही आप मतलब वो आपके अपने में ब्लास्ट होने लगते हैं, टूटने लग जाते हैं, तो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर वो एकदम सिकुड़ जाएंगे, तो इसकी वजह से आपको अनीमिया टाइप के सिम्टम्स दिखेंगे। ये थी इसकी पॉइजनिंग। ये पॉइजनस मशरूम्स है कुछ टाइप के, जिसमें सबसे आपका फेमस आपने पढ़ा होगा ये डेडली कैप, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक। और ये देखिए इनके अलग अलग शेप्स, ये मोस्टली आपको अट्रैक्टिव काइंड ऑफ लगेंगे, लेकिन जितना अट्रैक्टिव वो दूर से अच्छा लगता है, खाने के लिए नहीं है, ठीक। फिर आपकी बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात कि अगर आप वाइल्ड मशरूम कलेक्टर हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मशरूम पॉइजनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर गलती से किसी पेशेंट ने मशरूम खा लिया है तो और उसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसे इमिडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उस डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या मतलब डॉक्टर के आने तक में उसे फर्स्ट एड देना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड में क्या क्या आता है, तो जैसे कि आपका हो गया स्टमक से आपके पॉइजन को रिमूव करना, वो कैसे किया जाता है, तो फिंगर डाल के उसको वॉमिट कराया जाए, उसके माउथ में फिंगर डाल के उसको वॉमिट कराया जाए, ठीक है। या गर्म पानी में 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स डाल दिया जाए या एपोमॉर्फिन डाल के उसे पिलाया जाए, जिसकी वजह से उसे वॉमिट हो जाए, ठीक है। या जब डॉक्टर जाता है तो वो स्टोमक ट्यूब की हेल्प से पूरा उसके कम्प्लीटली स्टोमक को वॉश कर देता है, जिससे कोई भी पॉइजनिंग उसमें ना रह जाए, ठीक है। इसके अलावा आप उसे कुछ सिडक्टेटिव्स भी दे सकते हैं, सिडेटिव्स, जैसे कि 4-5 टेबलस्पून वार्म मिल्क में 2 टेबलस्पून आपका ऑलिव ऑयल डाल के, उसमें बीटन एग योक डाल के, उससे भी क्या होता है इंस्टेंट वॉमिटिंग हो जाएगा और आपका पूरा स्टमक जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक। और क्या एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन का तरीका है कि आप इंजेस्टेड पॉइजन जो है इन स्टोमक कैन बी रिमूव बाय पुटिंग चारकोल पाउडर इन द स्टोमक एंड इफ इट इज ऑलरेडी हैज बीन अब्सॉर्ब्ड इन ब्लड देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस लाइक एट्रोफिन और कुछ और, ठीक है ना, कोई और एंटीडोट वो दिया जाता है, जिससे कि आपकी पॉइजनिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लैशी फंगाई की। तो इसमें कुछ नहीं, आपका जनरल अपियरेंस की बात हो रही है कि आप कैसे किसी फंगाई को कि ये फ्लैशी एडिबल है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जनरल अपियरेंस देखेंगे कि उसका साइज कैसा है, वो ग्रुप में ग्रो कर रहा है कि सोलिटरी ग्रो कर रहा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, क्या एजिंग के साथ उसके कलर में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, या ड्राइंग हो रहा है उसके अंदर, या उसमें जो वेल्स हैं उसमें एब्सेंस है, प्रेजेंस है, उसके गिल्स ओपन है कि क्लोज हैं, ये सब चीज़ें आप देखेंगे, है ना। तो वही सब चीज़ों की हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर कैप पे आता है, मतलब अगर हम मशरूम देखें तो सबसे पहले मशरूम के ऊपर क्या होता है, कैप होता है। तो कैप में आप क्या देखेंगे कि कैप का साइज कैसा है, ठीक है ना। कैप अगर आपका राउंड बटन शेप है तो वो आपका बटन मशरूम है ना, राउंड काइंड ऑफ है, कॉन्वेक्स में राउंड काइंड ऑफ है। वही अगर आपका वो शेल शेप्ड है तो आप समझ जाएगा ये आपका प्लियोट्रोपस है, और एकदम इस टाइप से शेप में होगा वो, तो आप समझ जाएगा ये आपका जो आपने थर्ड वाला पढ़ा था वो वाला मशरूम है ना, पेडी वाला। तो इस टाइप से आप उसका शेप, उसका साइज, उसमें क्या कलर है, ब्राउन है या रेडिश कलर का है तो नॉन एडिबल है, वो पॉइजनस वाला है, ठीक है ना, अमानता जो अमीनता ग्रुप है उसके अंदर का है वो, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, उसका सरफेस स्मूथ है, स्लिमी है, स्केली है, या है ना मार्जिन्स है उसके अंदर किस टाइप के, और स्टेम से सेपरेशन कैसे है, गिल्स का अटैच्ड है कि फ्री है, ये देखिएगा। फिर कैप के जस्ट नीचे क्या है आपका, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये देखिए, जैसे अगर इस कलर का होगा तो फिर आप समझ जाइएगा, है ना। फिर हम बात कर रहे थे स्केल्स के, सॉरी आपका कैप, कैप में आपने देख लिया स्केल्स वगैरह सब। कैप के बाद नीचे क्या आता है उसके जस्ट, गिल्स है। तो अब गिल्स में क्या देखिएगा कि उसका कलर यंग स्टेज में और लेटेस्ट स्टेज में कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है, उसमें जो पैटर्न्स हैं, स्पेस है, वो डिस्टेंस है, क्राउडेड है या ओवरलैप्ड है, ठीक है। लेंथ उसका चेक कीजिएगा और अटैचमेंट स्टेम से उसका किस टाइप से है ना। फिर फ्लैश की बात करें, जो प्रॉपर पूरा फ्लैश है, कि उसकी थिकनेस कैसी है, अगर थिक है तो आपका बटन मशरूम है, थिन है तो आपका ये प्लियोरोटस है ना, तो इस चीज़ों से आपको पता चलेगा आपका ऑयस्टर मशरूम। फिर आप उसका कलर देखेंगे, फ्लैश का कलर कैसा है, पिंकिश है, ब्राउनिश है, वाइटिश है या कोई और कलर का है,
तो मतलब कि या तो उसमें माउंड लग गया है या फिर आपका वो नॉन एडेबल हो चुका है, ठीक है ना। वो है उसमें जो कलर है वो आगे जाके हट रहा है कि नहीं हट रहा, उसको कट करके देखेगा उसमें जूस निकल रहा है कि नहीं, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी टेस्ट कैसी है ना। स्पोर्ट्स की बात करें तो ये तो लास्ट स्टेज में है। हम अभी सबसे पहले उसका स्केल, ऊपर से कैप देखी, फिर गिल्स देखे, हमने उसका फ्लैश देखा, उसके जस्ट नीचे आता है स्टेम। स्टेम का आप देखिएगा शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है ना, पतला स्टेम है, मोटा स्टेम है। हमने स्टेम की भी अभी देखी थी मेजरमेंट, तीनों में तो डिफरेंट डिफरेंट थी थोड़ी, है ना। उसकी थिकनेस कैसी है, और उसकी थिकनेस जो है वो एकदम मतलब यूनिफॉर्म है ऊपर से नीचे, कि ऊपर में उसकी थिकनेस कम और नीचे बल्जी है। बल्जी है तो आपका इसके अंदर वॉल्वा प्रेजेंट होगा, इसमें रिंग प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। कॉन्टिन्यूस फ्लैश है इसमें लगा हुआ या फिर डिस्टिंग है, कार्टिलेजिनस है, ये देखना पड़ेगा आपको। फिर इसमें ट्यूब्स जो होता है उसकी लेंथ, कलर, शेप देखना पड़ेगा, उसके माउथ का कैसा है और कैसे वो स्टेम से अटैच्ड है ना, ये चीज भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। ट्यूब इज आपका रिंग, जिसको आप स्कर्ट भी बोलते हैं या एनोला भी बोलते हैं, ठीक। फिर हम स्पोर्स की बात करें तो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ स्पोर्स लाइक उसका कलर, उसका उसका जो डिटेल्स होता है, ठीक है ना, सॉरी, वो नेसेसरीली है, आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। उसका मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे उसको, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करेंगे, है ना। और उसके जो स्पीशीज है, उसके जो स्पेसिमेंस है, उसको आप कलेक्ट करेंगे, उसको लेबल करेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, जो आपका प्रोसेस होता है, ठीक। तो इसमें इतना ही था, मतलब बहुत ज़्यादा याद करने का कुछ नहीं है, बस समझने का है। एक बार समझ लिया, इसमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो जो तीनों डिफरेंस था वो, ठीक। और छह इंपॉर्टेंट जो है, इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ये तीन जो मैंने लिखे हैं वो स्पेसिफिक एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर आते हैं, ठीक। उसमें कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। नाम सबसे कॉमन होता है, उसका नाम और आपके जो गिल्स से अटैचमेंट है या स्पेसिंग है वो, कि गिल्स फ्री हैं कैसे हैं, और उसके स्पोर्स मतलब कि टेट्रस पोलर है या फिर बाईपोलर है, वो ज़रूर आता है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि मशरूम कल्टीवेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो एफओ, नाबार्ड हो, आईएफएस हो, या फिर इफको हो, एफसीआई हो, या फिर और कोई एग्जाम्स हो जिनमें ये आते हैं, उसको हम कलेक्ट करके अब नेक्स्ट वीडियो सोच रहे हैं उस पर बनाएं, ताकि आपको भी तो लगे कि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा रिदम में है या ज़रूरी है भी कि नहीं, क्योंकि अभी तक इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करने वाला आया नहीं है, आगे आएगा। इसके बाद एक दो, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, और एक टॉपिक और है आपका ये ब्रीडिंग, मशरूम ब्रीडिंग, वो दो टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है कल्टीवेशन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो भी हमने मशरूम के थोड़ा सा डिटेल पढ़ा जनरल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी पे आइडेंटिफिकेशन के लिए, अब हम उसका प्रॉपर कल्टीवेशन स्टेप देखेंगे। कल्टीवेशन से लेके उसको जो हार्वेस्टिंग का स्टेप होता है, फ्रॉम लैब टू फील्ड, ठीक है, टू द मार्केट, वो पूरा हम पढ़ेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसलिए लगे रहिए, अभी इजी लग रहा है आपको, लेकिन आगे जाके इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, तो उसको आपको याद भी रखना है। इसलिए एक बार लेक्चर देखें, उसके बाद इसे नोट डाउन करें, ठीक है, अपने मन से कि मैंने क्या बताया उसको नोट डाउन कीजिए। तब क्या होगा कि मैंने अगर आपको 10 बताया तो आप अपने आप लिखेंगे, तो उसमें 10 आपका नॉलेज भी जुड़ेगा, है ना, तो वो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ और लेक्चर्स चाहिए आपको, कोई मटेरियल चाहिए, सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और इसे बहुत ज़्यादा फैलाइए, ठीक है, अब आप लोग का वो नहीं रहा है रिदम, तो प्लीज़ इसको हेल्प कीजिए मुझे फैलाने में, ताकि अभी हम लोग बहुत कुछ सोचा हुआ है इसको लेके, तो पहले एक इनिशियल स्टेज पर टच कर जाए, उसके बाद हम इसको और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।